तो गाइस कैसे आप सब, आपके सामने खड़ी है होंडा एलिवेट जो 2024 मॉडल है, जो सबसे टॉप मॉडल है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि इसका एक्सटीरियर कैसी मिलती है, क्या क्या फीचर्स इसमें ऑफर किया गया है, प्राइसिंग क्या रहने वाली है, इंटीरियर में क्या फीचर्स मिलती है और इंजन पावर आपको कैसे मिलती है, सीटिंग कंफर्ट कैसा दिया हुआ है, इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कार को बाय करने वाले हैं या लेने की प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो से लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस कार से जुड़ी हर एक डिटेल्स हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी होगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें। तो चलिए गाइस, मेरा टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे होंडा एलिवेट कितने वेरिएंट में है, कितने कलर ऑप्शन में है। तो यह जो कार अवेलेबल है 11 वेरिएंट में है और 10 कलर ऑप्शन में यह कार अवेलेबल है। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो भाई, यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है दिखने में। यहाँ पर आपको बाई फंक्शनल डाल जाती है, जो कि टर्न सिग्नल भी आपके यहाँ पर मिल जाती है। ऑल LED हेडलाइट सेटअप आ जाती है, जो काफ़ी बढ़िया आपको विजिबिलिटी मिलने वाली है। और यहाँ पर देखें तो फॉग लाइट भी आपको यहाँ पर LED का इसमें दिया गया है और ब्लैक फिनिशिंग आ जाती है। टो हुक की सेटअप और ग्रिल देखेंगे तो भाई, आपको इस तरह से काफ़ी यूनिक पैटर्न में आपके यहाँ पे ग्रिल मिलने वाली है। यहाँ पे आपको क्रोम स्ट्रिप आ जाती है, जैसा कि होंडा की सभी गाड़ियों में आपके यहाँ पे फ्रंट में क्रोम एलिमेंट दिया गया है, जिससे काफ़ी प्रीमियम से लगती है देखने में। होंडा की बेजिंग सेंटर में आ जाती है और यहाँ पर आप देखें तो फ्रंट में आपको कोई पार्किंग सेंसर नहीं मिलता है। इसकी प्लेट सिल्वर फिनिशिंग के साथ आती है और सेगमेंट की सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिलती है, 220 के आपके यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है इस कार में, होंडा एलिवेट में। और अब चेकआउट करते हैं इसके प्रॉपर लेफ्ट साइड प्रोफाइल की। तो भाई, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, इससे इसकी लेफ्ट साइड प्रोफाइल निकल के आती है। यहाँ पे आप देखें तो जो डोर हैंडल मिलता है इसमें आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ इसमें दिया हुआ है। और आते हैं इसके व्हील की तरफ, तो भाई यहाँ पे देखें तो इस तरह से आपके यहाँ पे एलॉय व्हील ऑफर की जाती है, काफ़ी प्रीमियम से लगती है देखने में। यहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग आती है। और व्हील साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको व्हील साइज जो आपको मिलती है 17 इंचेस का व्हील साइज इसमें दिया गया है, 215x55 R17 इंचेस का आपके यहाँ पे टायर प्रोफाइल मिलने वाली है, काफ़ी वाइड टायर इसमें दिया गया है, गैप आपको काफ़ी अच्छा मिल जाती है, ब्लैक कलर की इसमें क्लैडिंग दिया हुआ है। एंड ORVM जो मिलता है, ऑटो फोल्डिंग अनफोल्डिंग, इसमें ORVM आपको आ जाती है, टर्न सिग्नल भी इसमें दिया गया है और यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट आ जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो डोर हैंडल मिलता है क्रोम फिनिशिंग के साथ आ जाती है। और इसमें आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलने वाली है, 40 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। और गाइस, यहाँ पे देखें तो दोनों साइड में आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आ जाती है। यहाँ पे देखें तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है, रियर में ड्रम ब्रेक आपको मिल जाती है इस गाड़ी में। और रियर की ओर बढ़ें तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आप रूफ रेल देखिए, सिल्वर फिनिशिंग के साथ इसमें रूफ रेल दिया गया है, सार्फिन एंटीना आ जाती है। और रियर से लुक की बात करें तो भाई, यहाँ पे आपको प्रीमियम सा फील होने वाला है इसका जो रियर प्रोफाइल मिलती है। यहाँ पर आपको LED टेल लाइट आ जाती है, टर्न सिग्नल हैलोजन सेटअप साथ आती है। ये जो पैटर्न मिलता है ना, काफ़ी प्रीमियम सा आपको यहाँ पे फील होने वाला है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। यहाँ पे आपको कनेक्टेड आपको मिलने वाली है, एलिवेट की ब्रांडिंग आती है और रियर में आपको चार पार्किंग सेंसर आपको मिल जाती है, कैमरे की प्लेसमेंट आ जाती है यहाँ पर। और रियर विंडशील्ड पे भाई देखेंगे तो आपके यहाँ पर डिफॉगर, रियर वाइपर, यहाँ पे आपको हाई स्टेप लाइट यहाँ पे दिया गया है जो कि LED मिलती है, यहाँ पे वॉशर आ जाती है। तो ओवरऑल इस तरह से इसकी रियर प्रोफाइल निकल के आती है एंड यहाँ पे IV टेक की आपको ब्रांडिंग मिल रही है। और गाइस, यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए, इसका जो राइट साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसा आपको देखने में आती है, जैसा कि लेफ्ट साइड में आपको मिलता है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल जो मिलता है क्रोम फिनिशिंग के साथ दिया गया है एंड रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड में आपको मिल जाती है, ड्राइवर और को-ड्राइवर्स दोनों साइड में। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। इसका जो लेंथ आपको मिलता है 4312 mm का इसका लेंथ दिया गया है, विड्थ आपको मिलती है 1780 mm का विड्थ दिया गया, हाइट आपको मिलती है 1650 mm का हाइट दिया गया, व्हील बेस आपको मिलती है 2650 mm का व्हील बेस आपको मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता दिया कि 220 mm के इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। कॉर्बेट आपको मिलता है 1260 kg का, इसका कॉर्बेट आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो होंडा एलिवेट में आपको जो सेफ्टी फीचर्स दिया गया है, 6 एयरबैग आपको मिलती है, ABS साथ ABD आती है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, TPMS सिस्टम, ESC हिल होल्ड, ISOFIX चाइल्ड माउंट, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाती है होंडा एलिवेट में। सो गाइस, हो गया इसके एक्सटीरियर की बात। अब बात करते हैं इंटीरियर में आपको क्या फीचर्स मिलती है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इसके ड्राइवर साइड डोर प्रोफाइल की। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर आ जाती है और डोर देखेंगे तो भाई आपको यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम्स आपको मिलने वाले हैं, फिनिशिंग आपको मिलती है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ब्राउनिश फिनिशिंग आ जाती है एंड सॉफ्ट टच दिया गया है, काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है, प्रीमियम सा फील होने वाला है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक विंडो कंट्रोल्स आ जाती है, काफ़ी प्रीमियम दिया गया है। यहाँ पे बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट, अम्ब्रेला होल्डर भी आ जाती है, स्पीकर सिस्टम की प्लेसमेंट दिया हुआ है। एंड गाइस, यहाँ पे आप देखें तो आपके यहाँ पे डिफॉगर आती है, AC वेंट कुछ इस तरह की आती है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग आ जाती है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच आपको मिल रही है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर्स, यहाँ पे हेडलाइट नेबुलाइजर आ जाती है। नीचे आप देखें तो फ्यूल नॉब को ओपन कर सकते हैं, इंजन बे को ओपन कर सकते हैं। और गाइस, अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील्स के बारे में। तो इस तरह से आपके यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, सॉफ्ट टच के साथ दिया गया भाई, आपको टिल्ट मिलती है,
टेलीस्कोपिक भी दिया गया है, तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल आपके यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील आ जाती है, क्रूज कंट्रोल का फीचर आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल आ जाती है, और इस साइड में आपके यहाँ पे वाइपर कंट्रोल और इस साइड में हेडलाइट के कंट्रोल्स आ जाती है, और यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टार्ट का बटन आपको मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे आप देखें तो जो MID मिलती है सेमी डिजिटल क्लस्टर आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टैकोमीटर आ जाती है, यहाँ पे आपको फ्यू लो का इंडिकेशन आ जाएगी, और इस साइड में आपको स्पीडोमीटर आ जाती है। और भी फीचर्स आप यहाँ पे चेकआउट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और काफ़ी प्रीमियम से मिलने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे आप MID के ब्राइटनेस को एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको होंडा ऑफर करती है। और गाइस इसमें आपको जो सीट मिलती है लेदराइट सीट दिया गया है, यहाँ पे आपको सीट हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है जो कि इसमें आपको मैनुअली मिलने वाली है। सो गाइस अब बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया गया है 12.29 इंचेस का आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाती है, काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया इसमें आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है, अपने अकॉर्डिंग और भी सेटिंग आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सपोर्ट करती है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर में आपको हेडलाइट का फंक्शन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाती है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे AC के कंट्रोल्स आ जाती है। सॉफ्ट टच यहाँ पे दिया हुआ भाई, ब्राउनिश फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाती है इसके डैशबोर्ड एरिया पे। एंड नीचे आप देखें तो आपके यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, 12 वाट के चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, दो कप होल्डर। जैसा कि यह गाड़ी 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन साथ है, तो इस वजह से आपके यहाँ पे गियर नॉब मिल रही है। यहाँ पे भी आप देखें तो पियानो फिनिशिंग दिया गया है, काफ़ी प्रीमियम सा फील होता है। और यहाँ पे हैंडब्रेक की प्लेसमेंट आ जाती है, आर्मरेस्ट भी आपको मिल रही है, इसके नीचे भी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। और भाई देखें तो इस वजह से आपके जो डैशबोर्ड एरिया मिलती है डुअल टोन फिनिशिंग के साथ आपको मिल जाती है। ग्लोव बॉक्स अच्छा खासा मिल रहा है भाई इसमें। और ऊपर देखें तो IRBM जो मिलती है ऑटो डिमिंग IRBM इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो लाइट आती है LED लाइट इसमें दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको वेंटी मिरर एंड यहाँ पर टिकट होल्डर की प्लेसमेंट आती है। ऊपर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर सनरूफ भी दिया हुआ है। तो गाइस ओवरऑल देखें तो होंडा एलिवेट का जो इंटीरियर मिलता है काफ़ी प्रीमियम आपको मिल जाता है भाई। तो गाइस आपको इसका इंटीरियर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। सो गाइस ये होगी इसके फर्स्ट रो की बात। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड रो में आप हेडरूम, नी रूम, लेग रूम कैसी मिलती है। सो गाइस अब बात करते हैं इसके सेकंड रो के डोर प्रोफाइल के बारे में। तो इस वजह से आपके यहाँ पे डोर प्रोफाइल मिलने वाली है जैसा कि फर्स्ट रो में आपको मिलती है, सेम उसी टाइप का आपको यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। सॉफ्ट टच भाई यहाँ पे दिया गया है, बटन होल्डर की प्लेसमेंट, स्पीकर सिस्टम की प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाती है। एंड अब बात करते हैं इसके सेटिंग कम्फर्ट के बारे में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर सेकेंड रो पर बैठा हुआ हूँ, तो सिटिंग कंफर्ट भाई आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। लेदर सीट दिया गया है, काफ़ी वेल कुशन इसमें आपको सीट मिल जाती है। एंड अंडर थाई सपोर्ट क्या करना भाई, काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। नी रूम अच्छा खासा मिल जाता है, हेडरूम भी आपको अच्छा खासा मिल जाती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको सभी पैसेंजर के लिए यहाँ पे ऑफर किया गया है। एंड यहाँ पे देखें तो आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाती है, यहाँ पे दो कप होल्डर भी दिया हुआ है। तो अच्छा खासा इसका इंटीरियर मिल जाता है भाई, काफ़ी प्रीमियम सा। और यहाँ पे AC वेंट आ जाती है रियर पैसेंजर के लिए, यहाँ पे भी 12 वाट के चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइस ओवरऑल देखें तो आपके यहाँ पर जो सेकंड रूम मिलती है काफ़ी प्रीमियम सा आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हेडरूम, लेग रूम, नी रूम काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, हेडरूम भी अच्छा खासा दिया गया है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और लाइटनिंग भी आपको जो मिलती है भाई यहाँ पे आप LED लाइट यहाँ पे दिया हुआ है। सो गाइस ये हो गया इसके सेकेंड रो की बात। चलिए अब बात करते हैं इसमें इंजन कैसी मिलती है, इंजन पावर कैसी मिलती है। सो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका इंजन बे मैंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, इस पर आपको हीट इंसुलेशन पैड इसमें आपको मिल जाती है, जो इंजन की साउंड आपके केबिन तक नहीं पहुँचेगी। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, जो इंजन की प्लेसमेंट है काफ़ी वेल तरीके से आपके यहाँ पे मिल जाती है। एंड अब बात करते हैं इसके इंजन पावर के बारे में। तो इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है 1458 cc का 4 सिलेंडर BS6 Phase 2 आपके यहाँ पे इंजन मिली है, जो मैक्स पावर जनरेट करती है 119.3 BHP की पावर जनरेट करती है। और जो मैक्स टॉर्क आपको मिलेगा 145 Nm की आपको टॉर्क मिल जाती है, तो काफ़ी पावरफुल रिफाइनमेंट इसमें इंजन ऑफर किया गया है। माइलेज की अगर बात करें तो इसमें आपको जो माइलेज मिलेगी लगभग आपको 15 KMPL की इसमें आपको माइलेज मिल जाती है। सो गाइस अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इस कार का जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको आजमगढ़ में लगभग आपको 16,63,000 के करीब यह कार अवेलेबल हो जाएगी। और भी प्राइस रिलेटेड जानकारी के लिए आप होंडा शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं, तो शोरूम का सारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। अगर आप टेस्ट ड्राइव भी करना चाहते हैं तो टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं। सो गाइस ये रहा 2024 मॉडल होंडा एलिवेट, जो टॉप मॉडल है उसका डिटेल रिव्यू, जिसमें उन्होंने आपको बता दें कि इसमें आपको एक्सट्रा कैसी मिलती है, इंटीरियर में क्या फीचर्स ऑफर किया गया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दिया। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी कार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में सता ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कार रिव्यू के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, जिससे आप अगले वीडियो को मिस कर सकें।